वेलकम बैक टू गाइस आर टेक्निकल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे प्रोजेक्ट्स, पांच ऐसे मीमी टोकन जहां पर अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले कुछ ही महीने में आपका जो टोकन का प्राइस होगा वो 5x से लेकर 10x होने वाला है। ठीक है, तो कौन सी वो 5 कॉइन्स है, टोकन्स है जहाँ पर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, जो आने वाले टाइम में आपको ह्यूज प्रॉफिट दे सकता है गाइस। ठीक है, तो अपने रिस्क के ऊपर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको इस टोकन्स में लगाना है, क्योंकि इस सभी टोकन अभी डीप में आ गया है। अब डीप में अगर बाई करेंगे तो जो इसकी हाई रेट आएंगे वहाँ पर अगर सेलिंग कर देंगे तो आपका हाईली मुनाफा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहला वाला मैं है बेबी डॉजी कॉइन। बेबी डॉजी कॉइन अभी फिलहाल बहुत ही ट्रेंडिंग पोजीशन पर है और ये अभी बहुत ही हाइप चला रही है मार्केट में। जो बेबी डॉजी कॉइन है वो ऑलरेडी लिस्टेड है gate.io एंड पैनकेक स्वैप इन जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर एंड डेक्स पर भी लिस्टेड है। तो जल्दी से यहाँ से आके आप gate.io पर ले सकते हो या फिर पैनकेक स्वैप के माध्यम से ट्रस्ट वॉलेट से ले सकते हो। ठीक है, बेबी डॉजी कॉइन की लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेता हूँ। बेबी डॉजी कॉइन रिसेंटली बर्न किया है, कल इन्होंने तकरीबन यहाँ पर 4.8 कोरिलेशन का बर्निंग किया है कल, उसके बावजूद इसका रेट वही खड़ा है। तो जल्दी से इसको बाई कर लेना है आपको। ठीक है, और ये जो कॉइन है आने वाले टाइम पर बाइनेंस पर भी लिस्टेड करवा सकता है, क्योंकि इसकी अगर बात कर लेता हूँ इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम 24 आवर्स, यानी कि ये जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम करता है ये बाइनेंस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर ये अप्लाई करेंगे तब भी। ठीक है, अब लिस्टेड कब होगा, लिस्टेड बाइनेंस तभी लिस्टेड करवाता है जब इसकी चार्ट जो है वर्ल्ड टाइम का चार्ट अगर पंप डंप वाली जैसी क्वाइन होता है तो वो बाइनेंस लिस्टेड नहीं करता है। तो ये देखो पंप हुआ है फिर डंप हुआ है, पंप हुआ है डंप हुआ है पंप डंप। ठीक है, जैसे कि ये स्टेबल पोजिशन पर आ जाता है तब ये बाइनेंस को ये लिस्टिंग करवा देगा। ठीक है, ये बेबी डॉजी क्वाइन का रैंक यहाँ पर अभी 2800 है, लेकिन इसका जो जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है, ये तकरीबन 4 जीरो को फिल कर सकता है। 4 जीरो फिल कर देगा जो आपका जो पैसा है वो 400x तक जा सकता है। इसको कहते हैं बेबी डॉजी कॉइन, बेसिकली ये डॉज कॉइन या फिर जो मार्केट में अभी चल रहा है शिबा इनू कॉइन, इसको क्लियर कहते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से ये वाला जो काम है जो बाई करना है, बाई करने के लिए आप चाहे तो $5-10 की $20-25 की बाइंग कर सकते हो अपने रिस्क के ऊपर। मैंने आज ही इसमें इन्वेस्ट किया तकरीबन 2000 रुपये का। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे सेफ मून, ओके, SAFEMOON, सेफ मून अगर सर्च करेंगे तो सेफ मून दो दिख जाएंगे, एक तो सेफ मून V1 जिसको कहते हैं जो मिमी प्रोजेक्ट था, लेकिन सेफ मून मिमी कॉइन से बाहर होके अभी उन्होंने अपने टोकन्स मिमी टोकन्स को बाहर होके अभी मिमी जो है टोकन अपनी खुद का ब्लॉकचेन ले आ रहा है V2 प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर ये सेफ मून पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका रेट देख सकते हो, यहाँ पर लाल अक्षर में लिखा है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट किया है। अगर आपके पास पुराने वॉलेट में सेफ मून पड़ा है तो उसको अभी आपको माइग्रेट करना होगा V2 वर्जन में। ठीक है, वो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। नहीं तो आप अगर एक्सचेंज से बाई करना चाहते हो तो बाइनांस बाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो बाइनांस अभी लिस्टिंग नहीं करवाया है। ठीक है, ये जल्दी बहुत सारे एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो रहा है जो V2 वाला सेफ मून कॉइन है। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे SFM तो मिल जाएंगे, देखो SFM V2। ठीक है, ये भी सेफ मून का ही है, लेकिन ये इसका जो सप्लाई है बहुत ही कम कर दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले बोला है सेफ मून जो मिमी टोकन था उसको उसके अंडर से बाहर होके अभी ये कॉइन बनने जा रहा है। रिसेंटली इसकी एक्सप्लोरर भी आने वाला है, तो जल्दी से इस कॉइन को भी आपको 2-4-5-10 की बाई कर लेना चाहिए अपने रिस्क के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर लिस्टेड है यहाँ पर देख सकते हो, ये बिटमार्ट पर रिसेंटली लिस्टेड हुआ है। ठीक है, आई एम रिकमेंडेड एंड gate.io एक्सचेंज फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, और नेक्स्ट कॉइन की बात कर लेता हूँ। ये गाइस बहुत ही सिंपल एंड पहले से ही इसमें प्रॉफिट में रहा हूँ, और आप लोग भी अगर प्री सेल में बाई किया हो तो इसमें भी प्रॉफिट बनाकर जरूर निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉइन है ये लवली इनू कॉइन को फरवरी महीने में मैं किस लिए रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस, ये अभी बर्निंग करने वाला है। इस फरवरी महीने के अंदर 5 ट्रिलियन टोकन यहाँ पर बर्निंग हो जाएंगे, जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो 75 ट्रिलियन कॉइन्स अवेलेबल है उसके वॉलेट में, यानी कि मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ से 5 ट्रिलियन कॉइन बर्निंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बर्निंग इवेंट भी देख सकते हो ट्विटर पेज पर आके, 4 days to go, यानी कि आज तो 3 तारीख है, 2 दिन के बाद 1 ट्रिलियन कॉइन 5 फरवरी को बर्निंग हो जाएंगे। उसके बाद 5 दिन के बाद करके 1 ट्रिलियन करके कॉइन बर्निंग होगा। इसकी कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है जितना आप सेफ मून में देखेंगे या फिर अदर्स ये में देखेंगे। अगर सेफ मून की बात कर लेते हैं, इसकी कम्युनिटी बहुत ही तगड़ा कम्युनिटी है, इसकी 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है, तकरीबन 5 मिलियन की जिसके फॉलोअर्स मतलब फैन बन गए हैं। ठीक है, लवली में की बात कर लें, लवली में अभी ये बच्चा वाली कॉइन है, किट कॉइन है, लेकिन आने वाले टाइम में फरवरी मंथ मार्च महीने के अंदर या फिर अगर आप आज ही लग के दिन $50 या फिर $50 इन्वेस्टमेंट कर देते हो $10 जितना भी, ये 5 तारीख को डबल होने के चांसेस है अपने रिस्क के ऊपर। ठीक है,
तो गाइस इसको मिस मत करना। नेक्स्ट वन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर वो भी बहुत ही दिनों से मतलब पॉइंट आउट में है, ठीक है। उस कॉइन का नाम है गाइस साइतामा इनु। साइतामा इनु एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है एंड गाइस इथेरियम चेन ब्लॉक चेन के ऊपर डिपेंडिंग है गाइस, ठीक है। इसके भी सेफ मून की तरह ही प्लानिंग था, लेकिन ये बीच में मतलब कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है ये बीच में अटक गई है। लेकिन रिसेंटली इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मतलब काम कर रही है एंड ये आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो साइतामा इनु का जो पूरा टीम है, यहाँ पर 6 टीमों की नाम दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी टीम, 145 के फॉलोअर्स। यहाँ पर देख सकते हो मैक्स फाउंडेशन, ये जो है ये भी एक कॉइन चला रहा है, इसके 32 फॉलोअर्स है। सभी जिन लोग इनकी कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं ना, ये बड़े बड़े सब ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एंड जो लोग कॉइन बनाते हैं उन लोगों के साथ इन लोगों की टाई अप है साइतामा इनु की, ठीक है ना। तो इस कॉइन को भी आपको मिल जाएंगे, कहाँ पर देख लेते हैं। इस कॉइन का जो वॉल्यूम है वो पहले से थोड़ा कम गया है, लेकिन अच्छा कॉइन है, ठीक है, अच्छा टोकन है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रेट बहुत ही अच्छी गई है नवंबर महीने में, लेकिन रिसेंटली डंप में चल रहा है, यानी कि प्री सेल से थोड़ा ऊपर में मिल रहा है। अगर आप चाहे तो इसमें भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने रिस्क के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये मार्केट अभी बेयरिश मूड पर है, इस पर हाईली रिस्की भी हो सकता है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव बात कह लेता हूँ, इसकी जो टोटल सप्लाई मार्केट में है बहुत ही कम है, ठीक है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है मार्केट में तो ये जो कॉइन है ये 10x आराम से एक ही दिन के अंदर दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉइन की बात कर रहे हैं तो सेम इसी की टाइप का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी सेम साइतामा इनु की तरह ही निकल गया है, लेकिन ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। बीच बीच में क्या होता है, ये सभी कॉइन्स ये भी सभी टोकन्स मतलब अपना प्रॉफिट देता है एंड प्रॉफिट देने के बाद ये गायब हो जाता है एक दो महीने के बाद, लेकिन फिर से ये उजरा है। यहाँ पर देख सकते हो ये जब लॉन्च हुआ था तब इसकी जो प्राइस थी आज से तकरीबन एक साल पहले बहुत ही कम थी। इन यहाँ पर जिन लोगों ने सेल आउट किया है मतलब अप्रैल मई महीने के अंदर, यहाँ पर 10-20x गेन कर चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 0.29 है, यहाँ पर देख सकते हो कितने एक्स रिटर्न दिया, उसके बाद फिर से डंप में आ गया है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिर से एक मतलब अक्टूबर नवंबर में इन्होंने अपना जो प्रॉफिट दिया है उसके बाद फिर से डंप ले लिया है। तो आने वाले टाइम में ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसकी कम्युनिटी की। इसकी कम्युनिटी थोड़ा सा कम है टेलीग्राम में एक्टिव, लेकिन ट्विटर में देखा जाए तो ट्विटर में बहुत ही इसकी मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 396 यानी कि 400,000 फॉलोअर्स तकरीबन बन गए हैं एंड ये बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टर इसको फॉलो भी कर रही है, ठीक है। बात कर लेता हूँ इसकी बर्निंग की, ये जो बर्निंग करेंगे रिसेंटली बर्निंग करेंगे, लेकिन इसको आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। ये जो कॉइन है चाइनीज मतलब कॉइन बोल सकते हो किसू इनू, ठीक है। यहाँ पर पढ़ सकते हो बेबी डॉजी किसू इनू फोल्की इनू, ठीक है। मतलब जो मैंने फर्स्ट वाला जो कॉइन बोला है बेबी डॉज कॉइन, ये अभी ट्रेंडिंग है ट्विटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नीचे में 29% किसू इनू को मतलब ट्रेंडिंग पेज पर है, ठीक है। फोल्की इनू जो कि पहले बोला था आप लोगों ने भी बाई किया था एंड यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट किए होंगे, ठीक है। सो गाइज ये था कुछ टोकन जो आपको अभी बाई कर लेना चाहिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आप अपने हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आ चुका है।